Students, as we are going to explain our poem to the cuckoo, before this my request to you, please मेरे चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. इट्स टोटली कॉस्टलेस, कोई इसके लिए मनी नहीं लगता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है. सो इसको आप सब्सक्राइब करिए, इसको अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक भी करिए. थैंक यू. स्टूडेंट, हम जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं वो है टू द कुकू. टू द कुकू एक कुकू के ऊपर लिखी हुई पोएम है और पोएट ने उसको एक ब्लीट न्यू कमर के रूप में बोला है, बताया है. और ये उनकी बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस पोएम है. सो आइए हम पोएम का एक्सप्लेनेशन देखते हैं. टू द कुकू, टू द कुकू इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. टू द कुकू पोएम के जो पोइट हैं वो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ. ही वॉज बॉर्न ऑन 1770 टू 1850 एंड ही वॉज एजुकेटेड एट द ग्रामर स्कूल ऑफ हॉक्साइड. वर्ड्सवर्थ कंपोज दिस पोएम इन 1802 एंड द पोएम इज पब्लिश्ड, पोएम वॉज पब्लिश्ड इन 1807. टू द कुकू ये पोएम है और ये पोएम कुकू इज अ बर्ड, एक बर्ड के ऊपर उन्होंने इसको एड्रेस किया, बर्ड को एड्रेस करते हुए इस पोएम को लिखा है. और जो ये सीज़न है ये स्प्रिंग का सीज़न है और पोएम जब पोएट ने कंपोज की थी तो तब ये स्प्रिंग सीज़न ही था. और बसंत जो ऋतु आती है, चूँकि ये चारों, चूँकि बसंत ऋतु का मौसम है तो चारों तरफ फूल खिलते हैं, धूप निकलती है और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेजेंट वेदर हो जाता है. टाइम एक्चुअली सर्दी का होता है, जब सर्दी आती है तो इंग्लैंड में कुकू पक्षी जो है, कुकू जो बर्ड है वो माइग्रेट कर जाते हैं एंड साउथ की तरफ. स्प्रिंग आते ही वो तब ये रिटर्न होते हैं, माने सर्दी में चले जाते हैं और जब स्प्रिंग सीज़न आता है तो वो रिटर्न होते हैं, वापस आते हैं. जब स्प्रिंग सीज़न आता है तब इंग्लैंड से वापस आते हैं और आते हैं तो उस पीरियड में क्या होता है कि कुछ और भी अदर बर्ड्स जो हैं वो भी इनके साथ वापस आते हैं. तो कुकू के संग तो ये यंग कुकू भी उनके संग आने लग आते हैं और विंटर में चले गए हैं और बसंत ऋतु में वो वापस आ रहे हैं. तो इस सीज़न में जो उमंगें उठती हैं, जो विचार आते हैं, जो बचपन की यादें आती हैं, उनको लेते हुए पोएट ने इस पोएम को लिखा है. पोएट बोलते हैं, ओ ब्लीट न्यू कमर, आई हैव हर्ड, आई हेयर दी एंड दी चॉइस. ओ कुकू, शैल आई कॉल दी बर्ड और बट अ बॉन्डरिंग वॉइस. सो पोएट कहते हैं कि ओ खुश और प्रसन्नचित रहने वाली कुकू चिड़िया, आई हैव हर्ड, मैंने आपको सुना है, मैंने तुम्हें सुना है, मीन्स और मैं अभी भी उसको सुन रहा हूँ. आई हियर दी एंड रिजॉइस, मैं अभी भी उसको सुन रहा हूँ, उन मधुर गीतों को सुन रहा हूँ और आनंद से भरा हुआ हूँ. ओ कुकू, शैल आई कॉल दी बर्ड और बट अ वॉन्डरिंग वॉइस. ओ कुकू, क्या मैं तुम्हें बर्ड कहूँ, तुम्हें चिड़िया कहूँ या गूंजती हुई, गुंजाती हुई आवाज़ कहूँ. वाइल आई एम लाइंग ऑन द ग्रास दी टू फोल्ड शाउट आई हियर, फ्रॉम हिल टू हिल इट सीम्स टू पास एट वंस फार ऑफ एंड नियर. टू फोल्ड मीन्स की दोहरी, दोहरी जो शाउट है, दोहरी आवाज़ जो है उसके लिए बोला जा रहा है यहाँ पे टू फोल्ड. यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि जबकि मैं ग्रास पे लेटा हुआ हूँ और दे फोल्ड्स आउट, यहाँ पे दे फोल्ड्स आउट का मतलब है कि दो तरफ से उनको, दो तरफ से आवाज़ें आ रही हैं, दो तरफ से आ रही सी प्रतीत हो रही हैं, सुनाई पड़ रही हैं. एक ऐसा लग रहा है कि एक हिल से, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ आवाज़ आ रही है, एक पहाड़ से आवाज़ जाती है तो दूसरी पहाड़ से आवाज़ आने लग जाती है. इस तरह से एहसास पोएट को हो रहा है और फिर ऐसा लगता है कि ये आवाज़ तो अभी गई थी, अभी तो जा रही थी, दूर चली जा रही थी, पर दूसरे ही पल ऐसा लग रहा है कि आवाज़ तो पास आ रही है. दो बैबलिंग ओनली टू द वेल ऑफ सनशाइन एंड ऑफ फ्लावर्स दाउ ब्रिंगेस्ट अप टू मी अ टेल और विजनरी आवर्स. यहाँ पे जो वेल का मतलब वैली से है और टेल का मतलब स्टोरी से है.
यद्यपि उस घाटी से धूप और फूलों के रहस्यों का वर्णन कुक्कू चिड़िया करती हुई प्रतीत हो रही है, फिर भी उसका गीत पोएट को उसके बचपन की याद दिला रहा है। जब वो बचपन में लेटा करता था ग्रास में, तब वो दिव्य ज्योति के सपनों को देखा करता था। उसे ऐसा लगता था कि एक वैसा टाइम है, अब पोएट यंग हो गया है, एडल्ट हो गया है, बड़ा हो गया है और आगे में और आने वाले समय में, और वह अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा है। फोर्थ स्टेंजो, थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, इवन येट दाउ आर्ट टू मी, आर्ट टू मी नो वर्ड बट एन इनविजिबल थिंग, अ वॉइस अ मिस्ट्री। यहाँ पोएट जो है बसंत ऋतु की जो प्रिय चिड़िया है उससे कहता है कि मैं तुम्हें तीन बार तुम्हारा स्वागत करता हूँ, तुम्हारा तीन बार, थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग जो बसंत की रानी, बसंत की प्रिय, तुम्हारा मैं तीन बार स्वागत करता हूँ। पोएट यहाँ कहता है कि वो स्प्रिंग जो वह अपने बचपन के दिनों में उसे उस रहस्यमय पक्षी मानता था, उसे बचपन में ऐसा लगता था कि जो एक आवाज़ आती थी वो एक रहस्यमय पक्षी है, इस तरह का उसे महसूस होता था। अब वो एडल्ट हो गया है, वो बड़ा हो गया है, और अब वो बड़ा हो गया, एडल्ट हो गया है, वो एक आदमी हो गया है, फिर भी उसे कुक्कू जो है उसको एक जो अनविजिबल, जो दिखाई नहीं, इनविजिबल जो थिंग्स हैं उसकी तरह दिखाई प्रतीत होती है, वो अदृश्य वस्तु के समान महसूस होती है। एक जो ये इसमें जो बोला गया है कि अ वॉइस अ मिस्ट्री, मतलब इस टाइप से कि वो उसे एक गतिमय, एक चलने वाली आवाज़ के तरह, गतिमान संगीत के रूप में, आवाज़ के रूप में एक रहस्यमय प्रतीत होती है। फिफ्थ स्टेंजा, द सेम होम इन माई स्कूल बॉय डेज आई लिसन टू दैट क्राई विच मेड मी लुक 1,000 ways इन बुश एंड ट्री एंड स्काई। ठीक इसी तरह स्कूल के दिनों में मैं ये साउंड, ये वॉइस सुना करता था। और यहाँ पे जो इन्होंने बोला है क्राई, क्राई से मतलब होता है रोना, लेकिन यहाँ पे क्राई से एक आवाज़ से मतलब है, और स्वर से मतलब है, जिसकी वजह से वो ये कहते हैं पोएट की, जिसकी वजह से मैं हजारों तरीकों से सर्च करने के लिए, खोजने के लिए, कभी झाड़ियों में, कभी बुश में, झाड़ियों में, तो कभी पेड़ों पर, तो कभी आसमां में, मैं ढूंढा करता था। किसको? उस आवाज़ को, उस रहस्यमयी आवाज़ को। नेक्स्ट स्टेंजा, टू सीक दी डिड आई ऑफन रो दो woods and on the green, and thou, what will a hope, a love, still longed for, never seen। यहाँ पे रोप से मतलब है wonder, घूमना, मतलब घुमंत जो है उनसे मतलब है। टू सीक दो दी, यहाँ पे टू सीक जो दी जो है इसका मतलब है कि मैं उसको ढूंढने के लिए, किसको, वर्ल्ड को ढूंढने के लिए अक्सर मैं घूमा करता था, वांडरिंग करता था वनों में, ग्रीन ग्रास के में, कभी मैदानों में, प्लेन में घूमता था, एंड जो जिसको ढूंढने की पूरी कामना किया करता था, किंतु वो अभी तक नहीं मिली, मैं उसमें सफल नहीं हो पाया, और अभी भी मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, वो दूर है, अभी भी देख बहुत दूर है, और अभी भी मैंने उसको देखा नहीं है, मैंने अभी कभी, मैंने उसको कभी, स्टिल लॉन्ग्ड फॉर, अभी भी बहुत दूर है और उसको कभी नहीं देखा। And the next stanza, and I can listen to thee yet can lie upon the plain and listen till I do beget that golden time again। मतलब मैं अभी भी तुम्हारे को सुन सकता हूँ, जैसे मैदानों में लेटे हुए सुनता था, अभी भी सुन सकता हूँ मैं उस अनुभूति को, उस एक्सपीरियंस को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ जो मैं पहले किया करता था।
करना चाहता हूँ और वो स्वर्णिम समय, वो गोल्डन टाइम को मैं याद करना चाहता हूँ, उसको एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, उसका अनुभव लेना चाहता हूँ। एंड द लास्ट स्टेंजा, ओ ब्लेस्ड बर्ड द अर्थ बी पेस अगेन अपीयर्स टू बी अनसबस्टेंशियल फेयरी प्लेस दैट इज़ फिट होम फॉर दी। यहाँ पे फेरी प्लेस से मतलब है फेरी लैंड से, और बी पेस, यहाँ पेस से मतलब है वॉक करने से। सो कह रहे हैं पोइट कि ओ सुखी पक्षी, ओ खुश रहने वाले पक्षी, ये पृथ्वी जिस पर हम चलते हैं, और ये मुझे फिर से आई फील कि ये फिर से जो है अवास्तविक मतलब वस्तु लग रही है, और ये दुनिया फेयरी लैंड जो है परियों के देश लग रही है, कि ये परियों का देश लग रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ कि ये केवल वो प्लेस है जो जिसमें तुम रह सकती हो, जिसमें तुम अपना घर बना सकती हो। इस तरह से कुकू बर्ड को पोएट ने महसूस किया, और उसने कहा कि मतलब ये जो पृथ्वी है ये फेयरी लैंड है के समान है, और यहाँ पर कुकू के लिए उनका घर बनाना उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा।